इस टीम में हमने उनको सेट किया है, इस अफरीदी को हमने इस टीम में लिया है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब बात करते हैं एच रऊफ को भी, शायद हमने पिछली दोनों टीमों में नहीं लिया था या फिर किसी एक टीम में लिया था, तो इस टीम में हम वापस ले रहे, काफ़ी अच्छे गेंदबाजी और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं और अच्छी खासी विकेटें इनको भी मिल रही। अब बात करते हैं जैसे कि तीन गेंदबाज हो चुके हैं और चौथे जो गेंदबाज है हम फिर से ए डैनियल के साथ जा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया ये भी टीम बन चुकी है। लेकिन ज़रूर आप सोच समझ के इस टीम पर दाव लगाइए, मुझे लगता है कि इस टीम के लिए आप स्मॉल लीग ही लगाइए, ग्रैंड लीग लगानी हो तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों। मेरा सजेशन रहेगा कि ये स्मॉल लीग के लिए ट्राई कीजिए। तो काफ़ी अच्छी टीम बन चुके हैं, देखते हैं किसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते। इस टीम का कैप्टन मैंने एस मकसूद को बनाया जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो हमने वाइस कैप्टन ज़रूर जेम्स फॉकनर को बनाया क्योंकि एक ऑलराउंडर है दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हमें पॉइंट दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बैटिंग भी काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें कैप्टन भी और वाइस कैप्टन भी बनाया, और एस मकसूद को काफ़ी कम लोगों ने कैप्टन बनाया, तो आप ज़रूर इनको यहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो एक बार फिर से टीम प्रीव्यू ज़रूर करेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमने कीपिंग में एक चेंज किया है, एक ही कीपर लिया है, एम रिजवान को लिया है, बेन डंग को हम नहीं ले पाए। इसके बाद हमने चार बैट्समैन को फिर से लिया है जिसमें जे चार्ल्स को लिया है, एस मकसूद को लिया है, फकर जमान को भी लिया है और के शाह को भी लिया है। ऑफकोर्स हमारे हर टीम में जो दो ऑलराउंडर रहे हैं वो है जेम्स फॉकनर और मोहम्मद हाफिज़, लेकिन इस टीम में हमने कीपर कम किया है, लेकिन चार गेंदबाजों के साथ हम जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं राशिद खान, एस अफरीदी, एच रऊफ और ए डैनियल। काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, काफ़ी संतुलित टीम है, ज़रूर आप ट्राई कीजिए कि स्मॉल लीग लगाने की, लेकिन आप चाहे तो ज़रूर ग्रैंड लीग के लिए भी ये टीम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों फिर से इस टीम को सेव कर लेते हैं और मैं आपको बीच वाली जो टीम है उसमें ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, कि हमने लास्ट टीम में डैनियल को लिया है तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे पास एक ऑप्शन है दोस्तों, ज़रूर दिखाऊँगा मैं, तो वो ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास 8.5 पॉइंट है और ए डैनियल सिर्फ 8 पॉइंट के है, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, उनसे भी बेटर ऑप्शन है एच रऊफ का, आप ज़रूर इनके साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। तो इस टीम को अभी इस तरह से ही हम सेव कर लेंगे और आप एच रऊफ को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन ज़रूर बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आखिर में मैं कुछ और कैप्टन और वाइस कैप्टन के आपको ज़रूर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। एम रिजवान को कैप्टन बनाइए, बेन डंग को वाइस कैप्टन बनाइए, एम रिजवान को कैप्टन बनाइए, जेम्स फॉकनर को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, काफ़ी बढ़िया ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ज़रूर आप फकर जमान को कैप्टन बनाइए, बेन डंग को हमने बनाया ही ऑलरेडी वाइस कैप्टन, तो फकर जमान के साथ जेम्स फॉकनर को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फकर जमान को कैप्टन बनाइए और एस मकसूद को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। तो इस तरह से दो चार और ऑप्शन मैंने आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के दिखा दिए दोस्तों। तो ऑफकोर्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर सके, ड्रीम इलेवन की ग्रैंड लीग भी जीत सके या फिर किसी भी ऐप में अच्छी खासी अर्निंग कर सके। साथ ही साथ इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको मेरे तीनों टीमों में से कौन सी टीम सबसे ज़्यादा पसंद आई और मुझे कौन सी टीम में क्या चेंजेस करने चाहिए थे, ये भी मुझे ज़रूर बताइए ताकि अगले वीडियो में और भी इम्प्रूव ला सकूँ अपने वीडियोस में। और ये भी बताइए कि आपको कौन सा कैप्टन और वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद आया। तो ठीक है दोस्तों, आखिर में फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।